यार दोस्तों, काफ़ी सारे समय से हमें ये सवाल पूछा जाता था कि एंड्रॉयड 12 में क्या नया आने वाला है, एंड्रॉयड 12 में क्या इम्प्रूव होने वाला है, हमारे लिए एंड्रॉयड 12 में क्या खास है। मतलब बहुत सारी सवाल हम तक ये आते थे कि एंड्रॉयड 12 में क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे और जो चीज़ें हमें समझ में आई है एंड्रॉयड 12 को लेकर, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनिमेशंस, थीम्स वगैरह वगैरह बहुत सारे जो अपडेट है जो हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ इतने खास काम नहीं आते, तो उन चीज़ों को हमने इग्नोर किया है कि जो चीज़ें हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए इतनी खास काम नहीं आती, तो उन चीज़ों को इग्नोर करके जो चीज़ें हम यूज़ कर पाएंगे या फिर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है कि एंड्रॉयड 12 में क्या अपडेट आने वाला है। तो जो लोग एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जो लोग नहीं जानते वही लोग स्किप करें, जो लोग जानना चाहते हैं वीडियो में आगे बने रहे। और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड 12 के बारे में हम बता रहे हैं वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो फीचर यूज़ किए जा सकते हैं उन्हीं फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अबाउट पेज में विजिट करें, और फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड 12 के बारे में और भी बहुत कुछ है, जैसे एलिक्वेंस, ऑटो TTS, ये सब एप्लीकेशन चलेंगे या नहीं चलेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच कौन सा चलेगा, सब कुछ चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताई जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि, और हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिलती रहे। तो मैं हूं आपका दोस्त जीतराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, बैक पैनल डबल टैप वाले फीचर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 में बैक पैनल डबल टैप वाला फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब पहले ही हम ब्लाइंड लोग जो है फ़ोन को आगे से डबल टैप कर करके थकते नहीं हैं, और अब गूगल महाराज हमें फ़ोन के बैक पैनल से भी डबल टैप करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ़ोन को बैक पैनल से आप जब डबल टैप करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे, और कुछ फ़ोन में इसको आप कस्टमाइज़ भी कर पाओगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना, जैसे कि गूगल असिस्टेंट को ऑन करना, जैसे कि फ्लैशलाइट ऑन करना, कैमरा ऑन करना, या फिर कुछ और फीचर कस्टमाइज फ़ोन वाले आपको प्रोवाइड करवा दे। मतलब बेचारा एंड्रॉयड 12 में फ़ोन तो काफ़ी परेशान होने वाला है, पहले तो आगे से ही डबल टैप से परेशान था ही, और अब करते रहो कुटाई डबल टैप पीछे से भी उस फोन को। तो जस्ट फन गाइस, और बात करते हैं दूसरे और इंटरेस्टिंग फीचर की। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो आपको मिलेगा फास्टेस्ट अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको काफ़ी फास्टेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको अपडेट्स के लिए जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से ही जो है सिस्टम अपडेट्स, यानी कि मेजर अपडेट की बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो सिक्योरिटी अपडेट जो आपको देखने के लिए मिलती है वो आपको प्ले स्टोर से भी देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ फ़ोनों में प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, और कुछ फ़ोनों में जो कस्टमाइज फ़ोन है वो उनके जो कंपनी वाले हैं वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे, लेकिन एंड्रॉयड 12 में आपको ये स्टॉक एंड्रॉयड में ये प्ले स्टोर से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी फास्ट आप अपडेट कर पाओगे, और जो है ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। ठीक है, तो अगले फीचर की ओर हम बात करते हैं कि तीसरा फीचर जो मैंने सबसे अच्छा नोटिस किया है। दोस्तों, यहाँ पर फीचर्स तो काफ़ी सारे हैं, जो थीम, वॉलपेपर और कलर, एनिमेशंस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे अपडेट आने वाले हैं, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों के समझ में आने वाली है, थीम एनिमेशन वगैरह तो लो विजन वालों के समझ में आएगी, लेकिन वो फीचर्स यहाँ पर डीप में बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो अब जो तीसरा फीचर जो है वो ऐप हाइबरनेट वाला है,
यहाँ पर जो है ना आपकी ऐप्स जो है ना बैकग्राउंड में हाइबरनेट हो जाएगी जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो उससे होगा ये कि जो रिसोर्सेज यूज़ होते थे बैकग्राउंड में वो अब नहीं होगे, ऐप हाइबरनेट में हो जाएगी और आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को जब चाहे तो ओपन करके यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड में रिसोर्सेज सारे यूज़ नहीं होंगे और फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होगा, फ़ोन आपका फास्ट रन करेगा ऐसा गूगल कहता है। तो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े इस फीचर के बारे में, तो काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं एंड्रॉयड 12 बेटा 3 में इस फीचर के काफ़ी अच्छे से जो है फीडबैक्स लिखे हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगले फीचर की बात करते हैं तो ये है वाईफाई शेयरिंग का। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई शेयरिंग कह रहा हो यार, इंटरनेट शेयरिंग, वाईफाई शेयरिंग तो आप जानते ही हो। तो पहले ये फ़ीचर iOS में था, अब ये फ़ीचर एंड्रॉयड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आप दूसरे का वाईफाई विदाउट पासवर्ड आप शेयर करके ले सकते हो। तो ये फ़ीचर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ फ़ोनों में कस्टमाइज़ होकर आपको कस्टमाइज तरीके से देखने के लिए मिले या फिर कुछ कस्टमाइज फ़ोन में देखने के लिए ही ना मिले, लेकिन ये फ़ीचर ज़रूर एंड्रॉयड 12 में आ सकता है। एंड्रॉयड 12 में ये सारे फ़ीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला फ़ीचर हमने जो नोटिस किया है वो है स्क्रोलेबल स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जो है स्क्रोल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले क्या होता था कि हम किसी एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते थे, लेकिन अगर हमें उसी स्क्रीन में अगर स्क्रोल करके और स्क्रीनशॉट लेना है उसी स्क्रीनशॉट में तो वो हम ले सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे से जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो नीचे आपको मोर कैप्चर का बटन मिलता है, तो वहाँ पर जो है आपको मोर कैप्चर पर जाना है और स्क्रोल करना है और आपको जो है आप स्क्रोल करके जो है स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मुझे एंड्रॉयड 12 का, जो काफ़ी अच्छे से हम लोग जो है इसमें स्क्रोल करके स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब वो कितना एक्सेसिबल है वो तो फीचर हमारे हाथ में आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, और इन सभी फीचर्स पर मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जब ये फ़ोन एंड्रॉयड 12 मेरे फ़ोन को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 12 मेरे फ़ोन में आ जाएगा, तो डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनेंगे इस पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि भाई जो क्रैक एप्लीकेशन से वो चलेंगी या नहीं, ऑटो TTS से चलेगा या नहीं, एलोक्वेंस चलेगा या नहीं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो अगर आप नए हो और जानना चाहोगे इस एंड्रॉयड 12 के बारे में और भी बहुत कुछ, तो आपको दो काम करने हैं। पहले तो जो है आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि अगर इस वीडियो में व्यूज़ आ गए तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और एंड्रॉयड 12 के और भी बहुत सारे फीचर्स आपके लिए जो आने वाले हैं उन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगले फीचर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर है वायरगार्ड VPN। जी हाँ दोस्तों, अब आप किसी भी आपको आगे एंड्रॉयड 12 में प्ले स्टोर से VPN को बाय करने की या VPN यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब गूगल ये कहता है कि यहाँ पर आपको VPN का भी फीचर एंड्रॉयड 12 में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन गूगल ये कहता है कि वो कितने हद तक काम करेगा, किन किन वेबसाइट्स पर काम करेगा, वो आगे गूगल आपको इस बारे में अपडेट्स देगा। लेकिन ये फीचर आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर एक बार कहूँगा कस्टमाइज फ़ोन के साथ हो सकता है ये फ़ीचर कुछ अपग्रेड किया जाए, कुछ मॉडिफाई किया जाए या फिर इस फीचर को हटा ही दिया जाए, तो कस्टमाइज फ़ोन में ये हो सकता है। तो वैसे तो कस्टमाइज फ़ोन वाले फ़ीचर्स को मॉडिफाई करते हैं, पूरी तरह से फ़ीचर्स को हटाते नहीं है, मॉडिफाई कर देते हैं, तो आपको कुछ अच्छा इंटरफेस कस्टमाइज फ़ोनों में भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस बार स्टॉक एंड्रॉयड को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, तो भाई स्टॉक एंड्रॉयड वाले तो खुश हो जाओ, क्योंकि जो स्टॉक एंड्रॉयड पहले से यूज़ करते हैं उनको आदत है स्टॉक एंड्रॉयड की, तो कस्टम एंड्रॉयड से कुछ ज़्यादा कम नहीं है ये फ़ीचर्स इस बार एंड्रॉयड 12 में। बहुत सारे फ़ीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो अगला फीचर है वो है विजिट्स का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको विजिट्स में इतने सारे शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे गूगल असिस्टेंट, उसके बाद व्हाट्सएप और जीमेल, मतलब ये सारे विजिट्स आप शॉर्टकट्स में ऐड कर पाओगे और उनके जो है शॉर्टकट्स अपने अच्छे से जो है यूज़ कर पाओगे। विजिट्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये इंटरफेस। अगर आप लोग विजिट्स के बारे में डिटेल में नहीं जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम विजिट्स के बारे में भी डिटेल में वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ये विजिट्स बहुत ही काम का फीचर है, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर अपने फ़ोनों में उसको यूज़ करिए। अभी भी है विजिट्स आप लोगों के फ़ोनों में, लेकिन इतना इम्प्रूव है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा
एंड्रॉयड 12 के बाद। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स नए उसमें आने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई उसमें आने वाली है। तो अब बात करते हैं अगले फीचर की। तो अगला फीचर जो है वो काफ़ी बढ़िया है, वो है क्विक टॉगल वाला। जी हाँ दोस्तों, क्विक टॉगल। अब क्विक टॉगल में होगा ये कि यहाँ पर आपको जो है कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन कैमरा यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन बार में देखने के लिए मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन बार से ही जो है माइक्रोफोन, कैमरा, ये सारी फीचर्स, ये सारी परमिशन जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं अगले और लास्ट अपडेट जो हमें पता चला है। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट लगे वही हमने बताए यहाँ पर। प्राइवेसी डैशबोर्ड यहाँ पर आपको एक अलग से देखने के लिए मिलेगा, कौन सा ऐप कौन सी परमिशन ले रहा है, कौन सा ऐप किस फीचर को यूज़ कर रहा है, कौन सा ऐप लोकेशन ले रहा है, कौन सा ऐप क्या मतलब आपका यूज़ कर रहा है, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर जानने और देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि कुछ कस्टमाइज फ़ोन, कुछ UI अभी भी इन फीचर, ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं इन फीचर्स को प्रोवाइड करता है। अब आप सोचेंगे कि ये फीचर्स तो है लेकिन ये सारे फीचर्स अब आपको स्टॉक एंड्रॉयड यानी प्योर एंड्रॉयड जो आता है वो उनमें देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होता है कि कस्टमाइज एंड्रॉयड जो होते हैं जैसे सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो, ये जो फ़ोन है ये फ़ोन जो है अपनी तरफ से ही इन फीचर्स को मॉडिफाई करके आप लोगों को दे देता है। लेकिन अब गूगल ही इन सभी फीचर को लॉन्च करने वाला है ना। तो कुछ लोग हैरान ना हो कि एंड्रॉयड 12 में जो फीचर आप सुन रहे हो वो फीचर तो पहले ही कस्टमाइज एंड्रॉयड में है। तो वो आपके कस्टमाइज जो आपको फ़ोन आपने लिए है उन फ़ोन की कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाया है, वो फ़ीचर गूगल ने नहीं प्रोवाइड करवाया है ना। तो ये सारे फीचर है और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में जैसे जैसे हमें पता चलेगा वैसे वैसे हम आगे इसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और हम ऐसे ही वीडियो आगे बना पाए। क्योंकि इस वीडियो को अगर व्यूज़ आ गए तो ज़रूर एंड्रॉयड 12 के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको आगे सुनने के लिए इस चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए जुड़ जाइए, अबाउट पेज में विजिट करें। फीमेल्स के लिए भी ग्रुप बनाए गए हैं तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्रांड पर ज़रूर विजिट कर लेना।